HST गेमिंग, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों हम आज बात करेंगे टॉप 10 मोबाइल्स के बारे में, जिसमें एडवेंचर्स होंगे, फाइटिंग होंगे, साइकिलिंग होंगे और भी बहुत सारे गेम हैं और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, जिसमें नंबर वन पर आता है पास्कल्स वेयर। फाइनली काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद पास्कल्स वेयर एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो गया है और बहुत ही अच्छे गेम होने वाले हैं। अगर आपको ऐसे एडवेंचर वाले गेम पसंद है तो आपको ये गेम जरूर खेलना चाहिए। इसकी स्टोरी है कि आपको कुछ सीक्रेट साइन करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर एंटार्क्टिका आईटी है। अब दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें हॉरर डरावना टाइप गेम है, इसमें कुछ टाइप होंगे और आपको उनसे बचना पड़ेगा, वो आप अटैक करेंगे आपको उनसे बचना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा गेम, आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आता है आउटलैंडर्स फैंटेसी सर्वाइवल। दोस्तों आपको सर्वाइवल गेम के बारे में तो पता ही होगा, इसमें आप रियल वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, मीन्स फैंटेसी वर्ल्ड में। इस गेम में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप वहाँ पे सर्वाइव करोगे, वहाँ बेस बनाओगे और जितने एनिमीज आएंगे उनसे लड़ोगे, बहुत सारे नए टाइप से वेपन्स क्रिएट होंगे और पुलिस सर्वाइव गेम है, सर्वाइव गेम है, लेकिन अदर वर्ल्ड में होगा। बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो आपको बाहर से कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप गूगल पे जाके इसके नाम सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार इस गेम को आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्राई करने में। फोर्थ नंबर पर आता है ओमेगा लेजेंड्स। गेम फुली ऑनलाइन है और इसकी साइज 750 MB है, बट ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा आपको, ये भी गूगल पे फाइंड करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जाके नॉर्मली आप नाम देखिए, टाइप कीजिए इसका नाम ओमेगा लेजेंड्स और आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यही फाइटिंग टाइप गेम है और स्नाइपिंग टाइप गेम है। और पाँचवें नंबर पर है साइबर हंटर। दोस्तों साइबर हंटर भी एक ऐसा गेम है जो इस साल आपको देखने के लिए मिला है। इसकी कैरेक्टर कस्टमाइजेशन है और बहुत ही अच्छा है ये। इसका इसकी व्हीकल है जिसमें बहुत फीचर देखने को मिलता है, तो इस गेम को खेलने में बहुत मज़ा आएगा। आप इस गेम इसके व्हीकल्स कार्स बाइक्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसमें आप चढ़ोगे तो आपको और कैरेक्टर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ड्रेस भी आपको चेंज करने के लिए मिलेगा, गन्स भी आपको चेंज करने के लिए मिलेगा, अच्छे अच्छे कार्स मिलेंगे। टॉप 6 नंबर है पबजी लाइट। तो आप सभी जानते होंगे पबजी लाइट के बारे में, ये पबजी का बच्चा है पबजी लाइट के। तो इस पर आप अच्छे से खेल सकते हैं, ये भी सर्वाइवल टाइप गेम है। इसमें रेड जोन होता है, ब्लू जोन होता है, जिससे आपको बचना पड़ता है। रेड जोन बॉम्बार्डिंग होगा, उस अगर आपके बॉडी पे गिर जाता है या आपके कागज गिरता है तो आपको डैमेज कर सकता है और आपको सर्वाइव करते करते लास्ट तक जाना होता है, किल्स यूज़ करते करते, और आपको बचना भी होता है साथ में। और अगर आप लास्ट तक रहते हैं तो चिकन डिनर हो जाता है, मीन्स आप जीत गए इसमें। और सातवें नंबर पे है टाउसेटी अननोन ओरिजिन्स। सातवें नंबर पे टाउसेटी अननोन ओरिजिन्स। गेम का साइज है 1.7 GB और गेम फुली ऑफलाइन है। ये बहुत अच्छी गेम है और इनकी ग्राफिक्स का तो क्या बात ही करें, क्योंकि सारी ग्राफिक्स बहुत ही अच्छी है। ये गेम खेलने में बिल्कुल पीसी गेम वाला मज़ा आता है। जैसे अगर आपको पीसी गेम्स टाइप मज़ा लेना है तो आप इस गेम को खेल के ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डाउनलोड कीजिए और खेल के एक बार चेक कीजिए और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सब गेम खेल के कैसा लगा, जो मैंने बताया है आपको ये गेम खेल के कैसा लगा। एडवेंचर्स टाइप फाइटिंग होता है, गन्स मिलते हैं बहुत सारे, मतलब आप एक बार खेल के देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। आठवें नंबर पर आता है ग्रिमव्लोर और इस गेम का भी ग्राफिक बहुत ही अच्छा है। इसमें भी एनिमीज होते हैं और जाना टाइप ऑप्शन होता है, जब आप किसी को मारते हो तो एक लाइट सी चमकती है और भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब तलवार उलवार टाइप का होता है वेपन्स और इसमें आप फाइटिंग करते हैं, मतलब जंप कर करके आपको फाइटिंग करना पड़ता है।
और आप जंप करते हैं फिर ट्राई करते हैं। नौवें नंबर पे आता है गेटिंग ओवर इट। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला गेम है भाई। इसमें मतलब अगर आप मान लो कि ऊपर चले गए, लेवल अप होते होते ऊपर चले गए, और फिर भी अगर आप लेवल ऊपर अप करके ऊपर चले गए और गिर गए तो फिर से स्टार्ट गेम स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप समझ पा रहे हो कितना गुस्सा आता होगा इसमें। मतलब चलिए इसमें कोई भगवने वाली बात नहीं, एक बार खेलेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि गुस्सा आता नहीं है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग गेम फ्रस्ट्रेट करता है गेम। और दसवें नंबर पे मैं आपको बताऊँ तो दसवें नंबर पे इसके बाद एक इसमें मतलब दसवें नंबर पे साइकिलिंग गेम टाइप का है। साइकिलिंग गेम मीन्स आप नॉर्मली साइकिल चलाइए और खेले। जब आपको एडवेंचर टाइप खेलने का मन हो तो ये गेम खेल सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच।